नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्पिंग हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, या उसे कॉमन प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नया आवेदन करते हैं या आपने कर दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक लेवल से, या आप बोले हैं जिले लेवल से या प्रदेश लेवल से, अप्रूवल की प्रॉब्लम आती है। वहां पर लिखा रहता है पेंडिंग फॉर सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल, या आप लिखा रहता है पेंडिंग फॉर द स्टेट लेवल। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपने नया आवेदन किया होगा किसान सम्मान निधि योजना के लिए, तो हो सकता है आपका अभी तक ब्लॉक लेवल पर अप्रूव ना हुआ हो, या आपका जिले लेवल से अप्रूव ना हो डिस्ट्रिक्ट लेवल से, या आपका प्रदेश लेवल स्टेट लेवल से अप्रूवल ना मिला हो। तो कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे आप अपने जिले लेवल से, ब्लॉक लेवल से या स्टेट लेवल से ऐसे अप्रूव करा पाएंगे और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले पाएंगे। आपको पता है कि सरकार के माध्यम से किसानों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, और जिसके तहत 6,000 रुपये प्रति साल किसानों को दिए जाते हैं। नए आवेदन में ये प्रॉब्लम्स आती है, तो इनको आज हम जानेंगे कैसे इसके सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे आप 10 से 15 दिनों में ही आसानी से आप इसे सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके इसकी प्रॉब्लम के लिए, तो इसलिए मैं आपको ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, आपको सोल्यूशन यहाँ पर पूरा परफेक्ट मिलने वाला है, और इससे मैंने काफ़ी लोगों के इसी मेथड से ये अप्रूवल वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी कराई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी यहाँ पर हूँ, और अगर आप अपना स्टेटस यहाँ पर देखेंगे, नो योर स्टेटस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चर डालकर स्टेटस अगर देखना चाहेंगे गेट ओटीपी पर क्लिक करके, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। मैं आपकी अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ स्क्रीन शॉट ले रखे हैं, और हालांकि मैंने गूगल्स ही निकाले हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आवेदक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन डेट 17/11/2023 था, और उनका स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनके प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। अगर आप स्टेटस देखेंगे तो आपको भी ऐसा दिखाई देगा, या आप तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और मैं एक मेरे पास दूसरा स्क्रीनशॉट या मैंने गूगल से निकाला, उसमें दिखा रहा है वेरीफाइड बाई डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट लेवल। तो ये आपके प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी यहाँ पर तहसील लेवल पे भी, ब्लॉक स्तर पर भी दिखाता है कि वेरीफाइड यहाँ पर दिखाता है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट अ ब्लॉक लेवल, या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखाता है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई। तो अगर आपका, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा पूरा डिटेल। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, सॉरी आपका तहसील लेवल या सब डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हैं, यहाँ पर अगर आपका अप्रूवल की प्रॉब्लम आ रही है, आपका यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आधार कार्ड का फोटो कॉपी और ओरिजिनल आधार प्लस आपका खतौनी का जो कॉपी है उसको लेकर के, उसकी फोटो कॉपी लेकर के, और आपको अपने सबसे पहले लेखपाल या पटवारी के पास जाना होगा। वहाँ पर आपको जो आपकी खतौनी है उस पर लेखपाल से वेरीफाई कराना होगा, सिग्नेचर प्लस मोहर लेखपाल या पटवारी की लगवानी होगी। इतना करने के बाद आपको अपने तहसील लेवल पर जाना है, और वहाँ पर जो अधिकारी बैठते हैं उनको आपको दिखाना है, और आपका तुरंत ही वो लॉगिन करके, अगर उनके पास समय होगा तो तुरंत ही आपका यहाँ ब्लॉक लेवल से अप्रूव्ड कर देंगे। ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है दोस्तों, क्या होता है, लोग अप्रमाणित खतौनी अपलोड कर देते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अप्रमाणित लेखपाल से प्रमाणित नहीं करवाते हैं, और उसी खतौनी को वो डायरेक्ट पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं नया आवेदन करते समय, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी किसी का हो भी जाता है, बट अगर आपका नहीं हुआ है, ब्लॉक लेवल पर प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, तो आपका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी खतौनी को अप्रूव करवा लें, अप्रूव कराने के बाद मतलब सर्टिफाइड करा लें, और अपने ब्लॉक लेवल पर, सॉरी अपने तहसील लेवल पर जाकर उसे वेरीफाई कराएं, और अपने जो भी उनके कार्य मतलब कि अधिकारी हो उनसे कॉन्टेक्ट कर लें, आपका वहीं हैंड टू हैंड सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल से आपका अप्रूव कर दिया जाएगा। अब सेकेंड थिंग आती है जिले स्तर पर, प्रॉब्लम आती है लोगों को जिले स्तर पर अप्रूवल नहीं मिल पाता है, तो वहाँ भी सिमिलर प्रोसेस है। आपको अपनी खतौनी को प्रमाणित कराना है, अपने आधार कार्ड को लेकर जाना है, अपने जिले स्तर पर आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप सोचिए ऑनलाइन हो जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं आपको सटीक तरीका बता रहा हूँ।
वहां पर जाकर कृषि विभाग जो कार्यालय होगा वहां पर अधिकारी बैठे रहते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करना। हो सकता है आपको एक दो दिन वो टहला दें, बोले कल आए आप परसों आए, बट ऐसा करते नहीं है। और इसके बाद उनको भी आपको अपनी खतौनी और आपका आधार कार्ड का जो डिटेल वो दिखा देना है। ऐसे दोस्तों आपका सिमिलर होता है। अब बात करते हैं आपका स्टेट पर, क्योंकि स्टेट पर तो जाया नहीं जा सकता है, तो कैसे फॉर्म सॉर्ट आउट होगी, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। स्टेट लेवल पर अपने आप ही डायरेक्ट वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है। तो ये दोनों तरीके थे, तो मैंने सोचा आप लोगों तक बता दूँ मैं। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सही और सटीक जानकारी देने के लिए, फिर भी कोई आपके मन में सवाल या डाउट है तो आप हमें ज़रूर पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।